गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे डिप्लोमा का, ठीक है। डिप्लोमा का हमने अभी तक देखा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखा है, अभी क्या करेंगे अपन क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन ऑफ गिवन कंपाउंड से अपन करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्शन है आपका, टू परफॉर्म द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ गिवन सैंपल पैरासिटामोल, ठीक है। पैरासिटामोल का क्या करना है, आपने कहा यहां पर क्वालिटेटिव एनालिसिस करना, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस पैरासिटामोल कैसे करेंगे, पैरासिटामोल इज अ सैंपल, ठीक है। ये पैरासिटामोल है, सैंपल है, इसको क्या करेंगे अपन अलग अलग उसमें केमिकल ऐड करके कलर वगैरह जो भी उसमें हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट है टेस्ट ट्यूब रहेगा रहेगा, ठीक है। बॉयलर रहेगा, इसमें बर्नर रहेगा, ठीक है। ये कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या केमिकल लगेगा इसमें, कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा, पायरिडीन रहेगा, एफसीएल3 फेरिक क्लोराइड रहेगा, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन और पोटेशियम नाइट्रोमेट। इतना अपने को से अलग अलग इसका रिक्वायरमेंट लगेगा, ठीक है। अब हम कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको अपन ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, इसको ऑब्जर्वेशन टेबल। इसमें सीरियल नंबर रहेगा सबसे पहले, ठीक है। दूसरा में रहेगा एक्सपेरिमेंट रहेगा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या रहेगा, सीरियल नंबर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और नेक्स्ट इंटरेस्ट। सीरियल नंबर करेंगे 1, एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को देखते हैं 10 mg सैंपल लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, 10 mg सैंपल, जो आपका पैरासिटामोल सैंपल दिए गए वो 10 mg सैंपल पहले लेना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। उसके बाद इसमें 10 ml डिस्टिल वाटर ऐड करना है, 10 ml डिस्टिल वाटर, ठीक है। 10 ml डिस्टिल वाटर ऐड कर दिया, देन इसमें ऐड करना है 0.05 ml फेरिक क्लोराइड FeCl3 ऐड कर दिया, ठीक है। FeCl3 आपको ऐड कर दिया, उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आएगा, इसमें वायलेट कलर आएगा, वायलेट कलर प्रोड्यूस होगा। और यहां पर क्या लिखेंगे, पैरासिटामोल प्रेजेंट है, केएफएल एब्सेंट है, ठीक है। इसमें क्या लगाना है, प्रेजेंट में आपको टिक लगाना है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट है आपको लगेगा 0.2 ग्राम सैंपल लेना है, प्लस 4 ml पायरिडीन लेना है, पायरिडीन सॉल्यूशन 300 बोलते हैं, ठीक है।
पहले मैं आपको 0.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन बॉइल करना है इसको 2-3 मिनट में, उसके बाद फिर कूल करना है और फिर एड करना है वाटर, ठीक है। वाटर एड करना है 40 ml, क्या रहेगा पीपीटी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट फॉर्म का तो आपको क्या है प्रेजेंट और प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट इनमें है और ऑब्सेंट में है, तो प्रेजेंट में निशान लगा, ठीक है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाएंगे। एक और पॉइंट है टोटल 3-4 पॉइंट, ठीक है। ऐसे आपको नेक्स्ट पॉइंट को भी ऐसे करना है, तो किस टाइप से हम करेंगे हम आपको बताऊंगा। ठीक है, हम सबसे पहले जो अभी हमने जो बताया है, अभी हमने जो बताया है पहला वाला है ना कि कैसे लेना है। तो सपोज ये है बर्नर है, ठीक है, ये बर्नर हो गया। बर्नर ऑन करना है सबसे पहले, ठीक है। ये सैंपल हो गया, ठीक है। टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब को किस में लेना है, होल्डर में लेना है, ठीक है। ये हमने होल्डर में ले लिया टेस्ट ट्यूब को। अब इसमें क्या करना है, 10 mg इसको जो पाउडर है अपने को इसको कैलकुलेट करके, जैसे सैंपल है, सैंपल है इसको हमने 10 mg लिया, सपोज इसने ये 10 mg है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके बाद हमको क्या लेना है, 10 ml डिस्टिल्ड वाटर। तो जो मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर में अपने को 10 ml वाटर लेना है, ठीक है। ठीक है, 10 ml, ये सपोज 10 ml वाटर है, 10 ml वाटर आपको क्या करना है इसमें ऐड करना है, ठीक है। 10 ml वाटर ऐड किया, उसके बाद सबसे पहले 10 mg सैंपल लिए, ठीक है, 10 ml अपने मेजरिंग सिलेंडर से वाटर ले लिया। उसके बाद क्या ऐड करना है इसको, 0.05 ml फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड जो होता है सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। सॉलिड फॉर्म को अपने को सैंपल मिक्स करना है, इसको बीकर वगैरह में लेके इसको क्या करना है, डिजोल्व करना है, और डिजोल्व करने के बाद इसमें डालना है, ठीक है। डालने के बाद इसको ऐसे तिरछा इसको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, इसको ऐसे तिरछा इसको क्या करना है, हीट करना है नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली हीट करने के बाद इसमें क्या आएगा, वॉयलेट कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वॉयलेट कलर प्रोड्यूस होगा तो समझ जाने क्या है, पैरासिटामोल, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे अपन, दूसरा वाला में क्या करेंगे, 0.2 ग्राम लेना है, 0.2 ग्राम सैंपल लेना है, ये सैंपल है, ठीक है। ये पाउडर का 0.2 ग्राम लेना है इसमें टेस्ट ट्यूब में। देन उसके बाद क्या करना है आपको, पाइरिडीन ऐड करना है 4 ml। तो ये जैसे पाइरिडीन है, पाइरिडीन को किस में लेना है, ये पीपेट है, पीपेट से आपको क्या करना है, 4 ml पीपेट लेना है और इसके बाद ऐसे एड करना है, ठीक है। 4 ml आपका पाइरिडीन सॉल्यूशन एड हो गया। देन उसके बाद आपको लेना है, ठीक है, उसके बाद लेना है 0.5 ग्राम आपको क्या लेना है, नाइट्रोबेंजीन क्लोराइड। तो जो नाइट्रोबेंजीन क्लोराइड है ये, इसको लेना है आपको कितना, 0.5 ग्राम, ठीक है, 0.5 ग्राम नाइट्रोबेंजीन क्लोराइड लेना है। और उसके बाद ले लिए इसमें, लेने के बाद डाल दिए इसमें, डालने के बाद इसको क्या करना है, 2-3 मिनट हल्का बॉईल करना है, ठीक है। बॉईल किए, बॉईल हो गया, उसके बाद इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में क्या करना है, ऐसे ही रहना है ताकि वो कूल हो सके। जैसे ही कूल होगा उसमें क्या करना है अपने को, इसमें 40 ml क्या करना है, वाटर पहले नाप लेना है 40 ml मेजरिंग सिलेंडर में, बीकर में डाले,
ठीक है। उसके बाद 40 ml वाटर किसमें स्लोली एड करना है, ठीक है। या फिर आप इसको ये सैंपल को इसमें पहले दूसरा बीकर में डालेंगे, उसके बाद उसमें थोड़ा सा इसमें वाटर मिलाना है, ठीक है, कूल होने के बाद। तो उसके बाद मिलाने से क्या होगा, वो पीपीटी फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट मतलब कि क्या होगा, वो जो सॉलिड सॉलिड टाइप का रहेगा, लिक्विड है, लिक्विड को लिक्विड में डालने के बाद क्या होगा, एक सॉलिड टाइप का मटेरियल फॉर्म होगा, उसको प्रेसिपिटेट या पीपीटी बोलते हैं। अगर उसमें पीपीटी फॉर्म हुआ, इसका मतलब क्या है, वो पैरासिटामोल इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। ये दो हो गया, दो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में बताया। वैसे तीसरा उसी में ही एक्सपेरिमेंट में तीसरा में क्या करना है, इसमें 0.1 ग्राम सैंपल लेना है, ठीक है। 0.1 ग्राम सैंपल लेने के बाद ये कॉन्सेंट्रेशन HCl आपको कितना लेना है, आपको 1 ml। तो 1 ml आप कैसे लेंगे, पीपेट से लेंगे 1 ml, 1 ml इसमें डाल दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है बॉइल फॉर फ्यू मिनट, कुछ देर तक अपन क्या करेंगे, इसमें बॉइल करेंगे, ठीक है। बॉइल हो गया, बॉइल करने के बाद देखेंगे कि इसमें कोई भी पीपीटी या प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा है, किसी भी टाइप का सॉलिड पार्टिकल या कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा है। देन अपन क्या करेंगे, 10 ml डिस्टिल वाटर। तो 10 ml डिस्टिल वाटर कैसे लेंगे, ये डिस्टिल वाटर है, 10 ml पहले चेक किया, 10 ml आया, 10 ml को फिर इसमें डाल दिया, ठीक है। 10 ml डिस्टिल वाटर डाले, उसके बाद क्या करना है, इसको 0.55 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसको कितना लेना है, 0.55 डाइक्रोमेट ml लेना है, उसको फिर सॉल्यूशन बना के इसको ml फॉर्म करना है, ठीक है। 0.55 ml उसका सॉल्यूशन बनाना है, किसी भी मेजरिंग सिलेंडर में या बीकर में आपको सॉल्यूशन बना के 0.55 ml इसमें नाप के इसमें डालना है हल्का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर देखेंगे कि इसमें क्या होगा, वायलेट कलर प्रोड्यूस होगा। अगर वायलेट कलर प्रोड्यूस हुआ तो क्या होगा, इसमें क्या लिखना है अपने को, आपका जो इन्फ्लुएंस है इसमें क्या लिखेंगे, पैरासिटामोल क्या है इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें तीन एक्सपेरिमेंट हुआ। उसके बाद लास्ट में आपको मेल्टिंग पॉइंट निकालना है। मेल्टिंग पॉइंट मैंने बताया है कैसे निकालते हैं, सैंपल लेना है, थिल्स ट्यूब में लगाना है, ठीक है, कैपिलरी में लेके उसको थिल्स ट्यूब में लगा के मेल्टिंग पॉइंट निकालना है। तो पैरासिटामोल का मेल्टिंग पॉइंट 169 to 127 है, ठीक है, 127 to 169, ठीक है, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो इसमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ गिवन सैंपल पैरासिटामोल। आपको पहले से ही बताएगा कि सैंपल कौन सा है, बस इतना ही आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, थैंक यू।